अब हम दूसरी डेफिनेशन पर जाएंगे जिसका नाम है समभारिक। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं आइसोबार। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि समभारिक मतलब इस बार भार क्या होगा, समान होगा। अगर भार समान होगा मतलब द्रव्यमान संख्या अगर समान होगी तो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा। क्या कहा मैंने, इस बार भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहां पर आर्गन और कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम इस बार परमाणु क्रमांक को यदि आप देखेंगे तो वो भिन्न भिन्न है, 18 और 20 है, लेकिन अगर द्रव्यमान संख्या देखेंगे तो वो क्या है बेटा, समान है। वैसे इस डेफिनेशन को रटने की आवश्यकता ही नहीं है, समभारिक नाम से समझ में आ रहा है भार क्या होगा, समान। तो आई थिंक एक बात और समझ में आ रही होगी, वो ये कि समस्थानिक और समभारिक की डेफिनेशन बिल्कुल उल्टी डेफिनेशन है, रिवर्स डेफिनेशन है। वहां पर द्रव्यमान संख्या क्या थी, समान। यहां पर द्रव्यमान सॉरी वहां पर द्रव्यमान संख्या क्या थी बेटा, भिन्न भिन्न थी। यहां पर द्रव्यमान संख्या समान है। वहां पर परमाणु क्रमांक समान था, यहां परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। बिल्कुल उल्टी डेफिनेशन है, ऑपोजिट डेफिनेशन है। क्लियर है? एक बात और हम यहां पर कह सकते हैं, अगर यहां पर द्रव्यमान संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या अगर समान है तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर n प्लस p का मान समान होगा। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन से डेफिनेशन के लिए या कौन सी जो है परिभाषा के लिए n प्लस p का मान समान होगा। आपका आंसर हो क्या होगा, संभारिक। n प्लस p का मान समान होता है। क्लियर है? जो थर्ड डेफिनेशन है उसका नाम है आइसोडाइफर्स। इंग्लिश में भी इसे हम लोग आइसोडाइफर्स ही कहते हैं, कोई अंतर नहीं है। आइसोडाइफर्स याद करने का सिंपल तरीका यह है कि इस आइसोडाइफर्स से पहले वाली डेफिनेशन में एन प्लस पी का मान समान था। यहां पर एन प्लस पी का मान समान था, लेकिन इस आइसोडाइफर्स में बेटा एन माइनस पी का मान समान होता है। एन माइनस पी का मान समान होता है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या का मान क्या रहेगा, समान। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है बोरोन और कार्बन। बोरोन आप जानते हैं 5B11 होता है, कार्बन 6C13 मैंने लिखा है। हो सकता है आपके मन में डाउट आए कि सर कार्बन तो 6C12 होता है। बेटा कार्बन 6C12 भी होता है और 6C13 भी होता है, और उसका समस्थानिक तो होता ही है। तो कहने का मतलब, एग्जाम्पल लिया बोरोन और कार्बन, मुझे तो एन माइनस पी का मान निकालना है। उसके लिए पी का मान यदि हम देखें तो यहां 5 आएगा, यहां 6 आएगा। नेक्स्ट इस न्यूट्रॉन का मान निकालेंगे तो यहां 6 आएगा, यहां 7 आएगा। अगर हम एन माइनस पी का मान निकालेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, दोनों में समान आ रहा है। कह सकते हैं ये दोनों आपस में आइसोडाइफर्स हैं। बेटा तीन डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, इमेजिन कर लेना। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी के अभी से याद करें। तीन डेफिनेशन में से फर्स्ट डेफिनेशन समस्थानिक, समस्थानिक का उल्टा क्या होगा, संभारिक। संभारिक में क्या था, एन प्लस पी समान था, तो आइसोडाइफर्स में क्या होगा, एन माइनस पी समान होगा। एक भी उदाहरण आपको याद नहीं करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आइसोडाइफर का उदाहरण बताओ, नहीं बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन ये आएगा कि निम्न में से कौन से आइसोडाइफर्स हैं, तो आपको n माइनस पी निकालना होगा। उदाहरण एक भी याद नहीं करना, डेफिनेशन याद करना है, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप याद कर सकते हैं कैसे समस्थानिक का उल्टा संभारिक, और एक तरह से संभारिक का उल्टा क्या हो जाएगा, आइसोडाइफर्स। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत इजी है जिसका नाम है समन्यूट्रॉनिक। नाम से समझ में आ रहा है इस बार क्या समान रहेगा, न्यूट्रॉन समान रहेगा। समन्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्याएं समान होगी। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम एंड कैल्शियम, यदि आप इन दोनों को देखें और न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 20 और 20 ही आएगा, समान आएगा। इन्हें हम बोल सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, ये तो हमें डेफिनेशन से समझ में आ रही है। अभी तक मैंने आपको चार डेफिनेशन पढ़ाई, और इन चारों ही डेफिनेशन के एग्जाम्पल पर अगर आप फोकस करें तो सभी के सभी एग्जाम्पल परमाणु थे। ना तो कोई अणु थे और ना ही कोई आयन थे। कोई अणु का एग्जाम्पल हमने नहीं लिया, कोई आयन का एग्जाम्पल नहीं लिया, लेकिन जो अगली परिभाषा है जिसका नाम है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक में परमाणु भी होंगे, अणु भी होंगे और आयन भी होंगे, और डेफिनेशन तो क्लियर ही है कि सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्याएं समान हो। मतलब वो कोई भी स्पीशीज, चाहे वो परमाणु हो,
चाहे अणु हो चाहे आयन हो, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तो उसे हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। बेटा ये बहुत सिंपल दिखता है, बिल्कुल बहुत सिंपल से डेफिनेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्याएं समान, सम इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन हां ये पिछले वाली डेफिनेशन से अलग क्यों है, क्योंकि वहां तक तो पिछली चार डेफिनेशन में तो हमने केवल परमाणु की बात की, लेकिन यहां परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो, यदि इलेक्ट्रॉन समान तो सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है? जैसे एग्जांपल लिखे हैं हमने नियोन, सोडियम आयन, H2O और अमोनिया। मैंने जानबूझ के जो एग्जांपल दिया इसमें परमाणु भी यूज किया, आयन भी यूज किया और अणु भी यूज किया। इन सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्याएं अगर हम निकालें तो आपको पता है कि नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 है। सोडियम आयन में यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आप जानते हैं कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, उसमें से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। H2O एक अणु है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तो दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, जोड़ोगे कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तीन हाइड्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन, जोड़ने पर कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब आप इन सभी को सम इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये चीज? चलिए एक लास्ट डेफिनेशन और है जो हमें पढ़नी है, जिसका नाम है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स ये बिल्कुल डिफरेंट है। इस डेफिनेशन में केवल हम लोग अणु को काउंट करते हैं। इस बार ना तो कोई परमाणु आएगा, नहीं कोई आयन आएगा, इस बार केवल क्या आएगा, अणु। केवल क्या आएंगे यहां पर, अणु। वे अणु जिनकी परमाणुकता का मान भी समान होता है, मतलब जिनमें परमाणुओं की संख्या का मान भी समान हो, साथ ही साथ जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान भी समान हो, उन्हें हम आइसोस्टर्स कहते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में नाम सेम है इसका। दो कंडीशन है बेटा यहां पर, पहली बार दो कंडीशन है यहां पर। पहली कंडीशन परमाणुकता भी समान हो, दूसरी कंडीशन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान हो। जैसे सिंपल है एग्जांपल, तो हमें एक भी याद नहीं करना, जस्ट हमें समझना है इस एग्जांपल को। जैसे CO2 और N2O की मैं बात करूं, परमाणुकता अगर निकालोगे तो यहां पर 3 परमाणुकता है, यहां पर भी 3 परमाणुकता है, मतलब परमाणुकता का मान क्या है, समान है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई भाई। दूसरी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में एक में होते हैं 8, तो 2 के लिए 2 से गुणा कर दिया, तो अगर सॉल्व करोगे तो आएगा इसमें 22 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली N2O नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 गुणा 2, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, यदि आप इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 22 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें परमाणुकता भी समान है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान है। हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, आइसोस्टर्स बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो आइसोस्टर्स में अणु होंगे जिनकी परमाणुकता भी समान होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी। कई बच्चों को एक डाउट यहां पर आता है, डाउट ये है कि अगर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्याएं समान हैं, अगर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्याएं समान हैं, तो क्या इन्हें हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं? यस, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्याएं समान हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक भी हैं। बिल्कुल सम इलेक्ट्रॉनिक भी हैं। क्या मैं जनरलाइज करके ये बात बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्याएं अगर समान होंगी तो सभी के सभी आइसोस्टर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे? बिल्कुल सही बात है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्याएं समान हैं तो सभी के सभी आइसोस्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक भी बोल सकते हैं। मतलब ये सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे ही होंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्याएं क्या है, समान है। क्लियर है ये चीज? इस चैप्टर परमाणु संरचना में अभी तक आपने दो परमाणु मॉडल पढ़ लिए हैं, एक का नाम था थॉमसन परमाणु मॉडल और दूसरे का नाम था रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। अब हमें तीसरे परमाणु मॉडल पर जाना होगा,
जिसका नाम होगा बोर का परमाणु मॉडल। लेकिन बोर के परमाणु मॉडल में बार बार तरंगों का यूज आने वाला है, वेव्स का यूज आने वाला है। तो बोर के परमाणु मॉडल पर जाने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना होगा और टॉपिक का नाम है तरंगें मतलब वेव्स। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अगर कोई भी स्रोत है, स्रोत से तरंगें उत्पन्न होती हैं और उन तरंगों का उच्चतम बिंदु, तरंगों का उच्चतम बिंदु श्रृंग कहलाता है और तरंगों का निम्नतम बिंदु गर्त कहलाता है। अब इन तरंगों के बारे में 5 डेफिनेशन होंगी जिनको मैं 1 by 1 सिखाऊंगा। फोकस आपका होना चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन है तरंगधैर्य, और तरंगधैर्य का सिंबल होता है लैम्डा, और इस तरंगधैर्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये ज्यादा इजी शब्द है वेवलेंथ, इससे कुछ चीजें हमें समझने को मिलती हैं। चलिए तरंगधैर्य या लैम्डा का मतलब क्या है। यदि दो निकटतम श्रृंग की मध्य की दूरी ले लें या दो निकटतम गर्त के मध्य की दूरी ले लें तो उस दूरी को हम बोलते हैं तरंगधैर्य। दो निकटतम श्रृंग या दो निकटतम गर्त के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंगधैर्य। ये जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, ये डेफिनेशन बिल्कुल बुकिश डेफिनेशन है, इससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। इसका फील क्या है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट के मध्य की दूरी को लैम्डा कहा, तो क्या मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के मध्य की दूरी को भी लैम्डा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। अगर आप ये लेंथ मेजर करेंगे तो ये इस लेंथ के बराबर ही आएगी। अगर ये यहां से यहां तक की दूरी अगर बराबर है, अगर ये भी लैम्डा है, तो मैं बोल सकता हूं ये एक तरंग है। भाई अगर वेव लेंथ पर आप फोकस करेंगे तो वेव लेंथ को आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ अ वेव। एक तरंग की लंबाई ही क्या कहलाती है, वेव लेंथ कहलाती है या तरंगधैर्य कहलाती है। इससे हमें यह समझ में आया कि इस डायग्राम में मैंने जो रेड में बनाया है ये एक तरंग है, ये एक तरंग है। कई लोग सोचते हैं कि सर ये एक तरंग है, जैसे जैसे जो जा रही है वो एक तरंग है। बच्चों ये तरंग नहीं है, एक तरंग में तो एक ही श्रृंग हो सकता है और एक ही गर्त हो सकता है। एक तरंग में एक ही श्रृंग हो सकता है और एक ही गर्त हो सकता है। इसका मतलब यहां पर सामने हमने यहां तक इस पॉइंट तक कितनी तरंगे बनाई हैं, इस पॉइंट तक हमने 2 तरंगे बनाई हुई है। कितनी तरंगे बनाई हुई हैं, यहां तक हमने 2 तरंगे बनाई हुई है, एक तो रेड में बनाई है और एक ब्लैक में बनाई है। कहना यह चाहता हूं कि आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि वेव लेंथ मतलब तरंगधैर्य का मतलब क्या है, तो आपका सिंपल आंसर होगा एक तरंग की लंबाई ही तरंगधैर्य कहलाएगी। क्लियर है चीज। अगर ये लंबाई है, अगर ये लेंथ है, तो इसका मात्रक होगा मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर एंड सो ऑन। सामने लिखा भी हुआ है, 1 angstrom बराबर आप जानते हैं 10^-10 meter, 1 picometer बराबर 10^-12 meter, 1 nanometer बराबर 10^-9 meter और 1 centimeter बराबर 10^-2 meter। इसमें नया कुछ भी नहीं, अगर नया कुछ है तो डेफिनेशन में है। क्लियर है। जो सेकंड डेफिनेशन है उसका नाम है तरंग संख्या। तरंग संख्या जिसका सिंबल होता है न्यू बार। बिल्कुल ये क्लियरली दिमाग में फिट कर लेना, न्यू बार मतलब क्या होता है, तरंग संख्या। और तरंग संख्या क्या होता है, 1/λ, मतलब लैम्डा का रिवर्स कर दो, उसका उल्टा कर दो तो क्या मिल जाएगा, तरंग संख्या मिल जाएगा। अगर ये लैम्डा का उल्टा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है। बिल्कुल, अगर लैम्डा का मात्रक मीटर होगा तो न्यू बार का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। अगर ये सेंटीमीटर होगा तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। तरंग संख्या जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये तरंगों की संख्या है। क्या है बच्चों, ये तरंगों की संख्या है, प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या ही। अगर इसके मात्रक पर फोकस करेंगे तो प्रति सेंटीमीटर, प्रति मीटर मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित, प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या ही क्या कहलाएगी, तरंग संख्या कहलाएगी। क्लियर है। वैसे इसके डेफिनेशन का हमारे को कोई यूज नहीं आने वाला, आपको अगर यहां पर फोकस करना है तो इस फॉर्मूला पर फोकस करना है जो कि क्या है, न्यू बार बराबर 1/λ। क्लियर है। थर्ड डेफिनेशन है जिसका नाम है समय काल। इसमें हमें कुछ सीखना होगा, फोकस रखें। समय काल जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कोई ना कोई समय है, ये कोई ना कोई टाइम है।
ये कौन सा टाइम है? मैं एक बार बोल रहा हूं, किसी वेव या किसी तरंग का एक बिंदु से पूरा गुजरने में लगने वाला समय ही समय काल कहलाता है। इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, फोकस करना। चलिए आप केवल इस पॉइंट पर फोकस करें। चलिए इसको एक बार मिटा देते हैं। इस डायग्राम में अभी आपका फोकस इस पॉइंट पर होना चाहिए, इस पॉइंट पर होना चाहिए। और आपका ये एक रेड वाली वेव मैंने ड्रॉ कर दी, और इस वेव का मुझे बताओ ये वेव रुकी हुई है या चल रही है? चल रही है। अगर ये चल रही है तो इस पॉइंट के थ्रू ये रेड वाली वेव क्रॉस होगी। अगर क्रॉस होगी तो कुछ समय बाद ये रेड वाली वेव इस ब्लैक वाली वेव को ओवरलैप कर लेगी, उसके ऊपर आ जाएगी। अगर ये रेड वाली वेव इस पॉइंट से गुजर के इस ब्लैक वाली वेव को ओवरलैप कर लेगी तो मुझे बताओ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? लैम्डा। तो जो समय लगेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? समय काल। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। आप एक बार रेलवे स्टेशन पर फोकस करें। रेलवे स्टेशन में मान लो एक ट्रेन खड़ी हुई है, ट्रेन का इंजन इमेजिन कर लेना। वो इंजन चलना शुरू हुआ और उस इंजन के साथ साथ पूरी ट्रेन भी चलना शुरू हुई। अब जब इंजन चलना शुरू हुआ तो इंजन वाली जगह पर एक टाइम बाद क्या होगा? लास्ट वाला डब्बा भी क्रॉस कर जाएगा। तो जो समय लगेगा उसे हमने क्या नाम दिया? समय काल नाम दिया। मतलब ट्रेन द्वारा खुद की लंबाई के बराबर लेंथ ट्रेवल होने में लगने वाला समय ही क्या होता है? समय काल। उसी प्रकार से किसी भी तरंग का, किसी तरंग का खुद की लंबाई के बराबर मतलब तरंगदैर के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगने वाला समय ही क्या होगा? समय काल होगा। क्लियर है? तो वही सामने लिखा हुआ है, तरंग द्वारा एक बिंदु से गुजरने में लगने वाला समय। या आप इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी तरंग द्वारा खुद की लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगने वाला समय क्या होगा? समय काल होगा। क्लियर है? और इस समय काल का उल्टा होता है आवृत्ति। समय काल का उल्टा क्या होता है? आवृत्ति। और इसका सिंबल होता है न्यू। इसका सिंबल होता है न्यू। अगर न्यू है तो आवृत्ति है, और अगर न्यू बार है तो तरंग संख्या है। क्लियर है? अगर न्यू आवृत्ति की मैं बात करूं तो आवृत्ति कुछ नहीं है, न्यू बराबर होता है 1/T। मतलब समय काल का उल्टा ही क्या होता है? आवृत्ति होता है। अगर इसके डेफिनेशन पर फोकस करें तो किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या तरंग आवृत्ति कहलाती है। मतलब एक सेकंड में किसी बिंदु से कितनी तरंगें गुजर रही है वही क्या होगी? इसकी आवृत्ति होगी। बच्चों अभी तक मैंने आपको चार डेफिनेशन बताई, अच्छा चौथी डेफिनेशन आवृत्ति है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर ये 1/T है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। मतलब आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? सेकंड इनवर्स। या कई बार इसे हम लोग हर्ट्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। शायद आपको पता होगा कि एक सेकंड इनवर्स बराबर क्या होता है? एक हर्ट्ज होता है। एक ही बात है, चाहे कहीं पर सेकंड इनवर्स लिखा हो या कहीं पर हर्ट्ज लिखा हो, एक ही बात है। तो बच्चों अभी तक मैंने इस तरंग टॉपिक में चार डेफिनेशन आपको बताई। अब हमें इनमें से क्या क्या याद करना है इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले इमेजिन कर लेना, मैं बोल रहा हूं केवल आपको इमेजिन करना है, कुछ लिखना नहीं है और कहीं देखना नहीं, इमेजिन करना है। सबसे पहली डेफिनेशन है बच्चों तरंग दैर्ध्य, इंग्लिश में वेव लेंथ। क्या डेफिनेशन है? लेंथ ऑफ अ वेव। एक तरंग की लंबाई ही क्या कहलाएगी? तरंग दैर्ध्य, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद उस तरंग दैर्ध्य का उल्टा क्या होगा? तरंग संख्या, यानी कि न्यू बार, जो क्या है? 1/λ। याद कर लो अभी के अभी। उसके बाद है समय काल। ये कौन सा समय है? ये वो समय है जिसमें कोई भी तरंग खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और उस समय काल का उल्टा क्या होगा? आवृत्ति। मतलब आवृत्ति बराबर क्या होगा? 1/T। क्लियर है ये चीज? आपको इस सेकेंड डेफिनेशन और फोर्थ डेफिनेशन में केवल फॉर्मूला ही याद करना है, डेफिनेशन भूल जाओ, लिखना भी मत, सजेशन दे रहा हूं, कोई काम नहीं आएगी। हाँ, इसमें केवल दो फॉर्मूला है जो याद करने हैं अभी तक हमें। क्लियर है? एक और डेफिनेशन है जिसका नाम है वेग, तरंग का वेग। और हम जानते हैं तरंग का वेग अगर है तो वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? वेग कहलाती है।
तो c बराबर लैम्डा अपॉन t, बिल्कुल वेग बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी के रूप में बिल्कुल हम लैम्डा लिख सकते हैं, और लैम्डा दूरी को तय होने में कितना समय लगा था, समय काल, इसलिए c बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन t। बेटा हर चीज कंसेप्चुअल है। मैंने यहां पर कैपिटल टी लिखा मतलब समय काल लिखा, ये नॉर्मल, ये एक सेकेंड, दो सेकेंड, तीन सेकेंड क्यों नहीं है, ये और कोई समय क्यों नहीं है, क्योंकि लैम्डा दूरी तय करने में कितना समय लगता है, समय काल। तो सी बराबर लैम्डा अपॉन टी, क्लियर है। अब एक काम मैं यहां से करूंगा वो ये कि सी बराबर इस लैम्डा को तो मैं एज इट इज लिखूंगा, और लिखा हुआ है वन अपॉन टी, और वन अपॉन टी मतलब समय काल का उल्टा क्या कहलाएगा, आवृत्ति। तो बिल्कुल सी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा न्यू, क्लियर है। यदि आप इस फॉर्मूला को रीअरेंज करें तो क्या आ जाएगा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, क्या हो जाएगा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, रटना नहीं है कुछ भी। हाँ बिल्कुल, एक चीज यहां पर अब आपको याद करनी पड़ेगी वो ये कि जो आवृत्ति होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज को इस चैप्टर में मैं बार बार यूज करूंगा, अभी के अभी याद कर लेना। इस पूरे बोर्ड पर लिखा हुआ केवल दो बातें अभी आपको याद करनी है, सब कुछ भूल जाना, दो बातें याद करनी है। पहली चीज, वेग बराबर दूरी बटे समय, जो आपको पहले से याद है, वेग बराबर दूरी बटे समय पहले से याद है। और दूसरी बात, ये रिलेशन जो क्या है, आवृत्ति तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बेटा सारी चीजें मैं अपने आप याद करा दूंगा आपका, आपको जो जो बोला जाए वो आपको याद करना है। क्या याद करना है, वेग बराबर दूरी बटे समय, और न्यू जो आवृत्ति है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है, याद कर सकते हैं इसे। चलिए, अभी हमने तरंगों के बारे में पढ़ा और तरंगों में पांच डेफिनेशन पढ़ी। अब ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे दो प्रकार की होती हैं, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे, कौन सी तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और दूसरी तरंगे होती है यांत्रिकी तरंगे। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनको किसी माध्यम से गुजरने के लिए, कहीं से गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिस रूम में अभी आप बैठे होंगे उस रूम में कहीं ना कहीं बल्ब होगा या ट्यूबलाइट होगी, उस लाइट को ट्रेवल करने के लिए मुझे बताइए माध्यम की आवश्यकता है या नहीं है, नहीं है। जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में आप वैक्यूम या निर्वात कर दो तो उस वो जो लाइट है फिर भी वो ट्रेवल करेगी। मतलब पहला पॉइंट क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर हम यांत्रिकी तरंगों की बात करें तो यांत्रिकी तरंगे, फॉर एग्जांपल साउंड वेव, जो मैं बोल रहा हूं ध्वनि तरंगे, जो अगर मैं बोल रहा हूं या अगर आप बोल रहे हैं, अगर उस रूम में निर्वात हो मतलब हवा अगर नहीं हो, तो क्या वो साउंड वेव या ध्वनि तरंगे ट्रेवल करेंगी या नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। ध्वनि तरंगों को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो दो तरंगे हैं, एक है विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे लाइट, जिनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और दूसरे तरंगे हैं यांत्रिकी तरंगे, जिनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि तरंगे, क्लियर है। लेकिन इस चैप्टर में हमारे को केवल और केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों को ही यूज करना है, हमें ध्वनि तरंगों या यांत्रिकी तरंगों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगे, उन तरंगों के बारे में मैं एक बात ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वो ये कि इनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसके नाम से ही समझ में आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। अगर इस डायरेक्शन को हम लोग विद्युत क्षेत्र मान लें और इसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र मान लें, तो इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और डायरेक्शन जो है, यानी कि उस तरंग को गति करने की जो दिशा है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। मतलब इन तीनों के बीच में कोण कितना होगा बेटा, 90 डिग्री का कोण होगा। बिल्कुल इमेजिन करना, वैसे तो ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया हुआ है ये टू डायमेंशनल है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको आप इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर मान लेना बच्चों, परपेंडिकुलर। इसको हम 3D में बना नहीं सकते, इसलिए हमने स्टूडियो बनाया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से नहीं है, एक्चुअली ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है। मतलब इन तीनों के बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री।
आप बिल्कुल इस प्रकार से इमेजिन कर सकते हैं, अपनी तीन फिंगर्स को इस प्रकार से रखें, तो अगर आप इसे इस तरंग का डायरेक्शन मान लें, एक को विद्युत क्षेत्र मान लें और एक को चुंबकीय क्षेत्र मान लें, मतलब इन तीनों के बीच में कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो पहला पॉइंट यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और डायरेक्शन आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होती है। वैसे इसके बारे में केमिस्ट्री में हम बहुत ज्यादा कुछ पढ़ते नहीं है, लेकिन हाँ फिजिक्स में इस पर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। अभी अगर आपको कोई फील वील ना आए, टेंशन मत लेना, इसके बारे में फिजिक्स में बहुत डिटेल में डील होगा। हल्का सा आइडिया मैंने दिया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये तीनों चीजें आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों, जिनको हम लोग विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं, को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम है तो भी ये ट्रेवल होंगी, माध्यम नहीं है तो भी ये ट्रेवल होंगी। सबसे परफेक्ट एग्जांपल है कि जो सन से लाइट आती है, सूरज से जो लाइट आती है, जब सन से लाइट अर्थ तक आती है तो बीच में कहीं कहीं माध्यम है और कहीं कहीं माध्यम नहीं है। माध्यम है तो भी चलेगा, माध्यम नहीं है तो भी चलेगा, मतलब इनको गमन करने के लिए, ट्रेवल होने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो किरणें हैं, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये प्रकाश के वेग से गति करती है। किस वेग से गति करती है? प्रकाश के वेग से गति करती है, जो कितना होता है 3×10^8 मीटर/सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ इस चैप्टर में जब भी हमें तरंगों के वेग की जरूरत पड़ेगी, तरंगों के वेग की जरूरत पड़ेगी, तो हमेशा हमेशा हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 3×10^8 मीटर/सेकेंड ये मान रखने वाले हैं, यानी कि कांस्टेंट हो गया ये, नियत हो गया ये। क्लियर है? जब भी आपको जरूरत पड़ेगी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना उठा के रख दोगे, 3×10^8 मीटर/सेकेंड। अब बात आती है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की, तो हमने यहां तक बात की, इसकी आपने अभी बात की, अब बात करते हैं इसका सिद्धांत क्या है। बेसिकली ये एक थियरी, एक सिद्धांत है जो मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी स्रोत जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है, वो तरंगों के रूप में, मतलब सतत रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है। आसान शब्दों में कहूं, इमेजिन कर लेना जिस रूम में अभी आप मौजूद हो, उस रूम में ट्यूबलाइट या बल्ब पर फोकस करो, उस बल्ब या ट्यूबलाइट से जो तरंगे आ रही है, क्या आप उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं। वो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या फिर वो जो लाइट है, वो कैसे आती है बेटा? कंटिन्यूअस आती है, सतत आती है, बिल्कुल कंटिन्यूअस आती है, तरंगों के रूप में आती है। ये किसने कहा? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ने कहा। हो सकता है आपको ये बात अजीब सी लग रही हो, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है, इस चीज को मैं लिंक करूंगा आगे वाली बातों से, तब आपको समझ में आएगा। अभी इतना सा समझ लेना कि जिस बल्ब को आप देख रहे हैं, जिस ट्यूबलाइट को आप देख रहे हैं, या जिस स्क्रीन को आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से या लैपटॉप से या टैब से, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, उससे भी जो है प्रकाश आ रहा है, तो वो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे आ रही है, वो कैसे आ रही है बच्चों? बिल्कुल सतत रूप में आ रही है, तरंगों के रूप में आ रही है। ये किसने कहा? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ने कहा। क्लियर है ये चीज? अब डाउट आता है कि सर विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल क्या क्या है। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया प्रकाश, है ना, तो इसके और कौन से एग्जाम्पल्स हैं? इसके ओवरऑल आपको 7 एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। 7 एग्जाम्पल हैं इसके। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? गामा किरणें, एक्स किरणें, अगर आपको याद हो मैंने बताया था गामा किरणें कहां से आती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ से। 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, तो उस गामा किरणों की हम यहां बात कर रहे हैं, गामा किरणें। दूसरा है एक्स किरणें, जो डॉक्टर्स एक्सरे के लिए यूज करते हैं, तो एक्स किरणें। उसके बाद है पराबैंगनी किरणें, उसके बाद है दृश्य तरंगे, फिर है अवरक्त तरंगे, फिर सूक्ष्म तरंगे, और लास्ट में है रेडियो तरंगे, जो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करने में काम आती है। तो ये ओवरऑल 7 एग्जाम्पल हैं, 7 एग्जाम्पल हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण क्या क्या होंगे, तो आपके आंसर क्या होंगे बच्चों? गामा रेस, एक्स रेस, उसके बाद में पराबैंगनी, फिर आएगा दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो तरंगे। आपको याद होना चाहिए ये। अच्छा, इसमें बीच में दृश्य तरंगे भी आ रहे हैं। दृश्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं विजिबल रेस, विजिबल रेस। और विजिबल जो रेस होती है, दृश्य तरंगे जो होती हैं, वो 7 कलर से मिलकर बनी होती हैं। वो कौन कौन से कलर होते हैं बच्चों? विबग्योर, विबग्योर
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये सेवन कलर्स से मिलकर कौन बनाता है? दृश्य तरंगे। मतलब जिन किरणों को हम देख पाते हैं, चाहे वो रेड कलर की हो या किसी भी और कलर की हो, उनको भी हम क्या बोल सकते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। हाँ, उनको ट्रेवल करने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बेटा अभी के अभी याद कर लेना, ये इसको याद करना पड़ेगा हमें। और ये जो सीक्वेंस मैंने यहां पर लिखा है, ये तरंगों के तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। मतलब सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? तो आपका आंसर क्या होगा? गामा किरणें। और सबसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? रेडियो तरंगें। तो ये सारे सातों के सातों एग्जांपल आपको इस सीक्वेंस में ही याद करने पड़ेंगे, सेम सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे। सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? रेडियो। और मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य आपस में क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है तो आवृत्ति का घटता हुआ क्रम होगा। पूछा जाए कि अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है, अधिकतम आवृत्ति किसकी होगी? आंसर होगा गामा। और न्यूनतम आवृत्ति किसकी होगी? आंसर होगा रेडियो तरंगें। क्लियर हो रही है बेटा बात? और ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये सीक्वेंस रटा हुआ होना चाहिए। और इस सीक्वेंस को, इस क्रम को एक नाम दिया गया और वो नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम, वैसे स्पेक्ट्रम इस चैप्टर में आगे आने वाला एक टॉपिक है, हल्का सा आइडिया में दे रहा हूं। स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी हम विभिन्न विकिरणों को ये भी विकिरण ही है, जब भी हम विभिन्न विकिरणों को उनके तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उस क्रम को ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कई लोग स्पेक्ट्रम सुनकर के जो है रेनबो याद करते हैं, इंद्रधनुष को याद करते हैं। नहीं, वो अलग है, वो 9th-10th क्लास की बातें हैं। यहां इसकी ब्रॉड डेफिनेशन क्या है? अगर विभिन्न विकिरणों को उसके तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्योंकि ये सभी विकिरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम। बच्चों, अभी तक इस पूरे पार्ट में हमने कहानी कहां से शुरू की थी? हमने शुरू की थी तरंगों से। तरंगों के बारे में कुछ डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने कहा तरंगें दो प्रकार की हैं। काम की हमारे केवल एक है, कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी बल्ब, कोई भी स्रोत जब विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करेगा तो कैसे करेगा? बिल्कुल सतत रूप में या तरंगों के रूप में। क्लियर है यह पॉइंट? चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अभी हमने बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ा, अब हमें एक और सिद्धांत पढ़ना है जिसका नाम है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। दो सिद्धांत पढ़ने थे, एक पढ़ चुके, अब एक आया है, कौन सा? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत ने बिल्कुल उल्टी बात कही, जो बात विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ने कही उसका बिल्कुल रिवर्स किसने कहा? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत ने। इस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत ने यह कहा, अगर कोई स्रोत है, मान लो कोई भी बल्ब वगैरह है या कोई सन की अगर हम बात करें, कोई भी स्रोत है, तो उससे जो लाइट आती है वो सतत नहीं आती बल्कि असतत आती है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है। इमेजिन करिए कि जिस रूम में आप मौजूद हैं उस रूम में बल्ब लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, इतना तो पक्का है। उस ट्यूबलाइट या बल्ब से जो लाइट आ रही है वो सतत नहीं आ रही है, लगातार नहीं आ रही है। कैसे आ रही है? छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है। और इन छोटे छोटे पैकेट को नाम दिया गया बच्चों क्वांटम। क्या बोला गया इसे? क्वांटम। बिल्कुल इमेजिन कर लेना, दो सिद्धांत हैं। पहले सिद्धांत ने कहा सतत, इस सिद्धांत ने कहा असतत। पहले वाले सिद्धांत ने कहा कि तरंगों के रूप में आती है, इस सिद्धांत ने कहा छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है। तो बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल डिफरेंट है, उल्टा हो गया यहां पर। चलिए एक बार पढ़ते हैं सामने क्या लिखा हुआ है। एक वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण सतत ना होकर के असतत रूप में छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, इन बंडलों को क्वांटम कहा जाता है। इस चैप्टर में बार बार ये शब्द यूज होगा क्वांटम। क्वांटम का मतलब क्या है? ऊर्जा के बंडल, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट। जैसे आप जिस रूम में मौजूद हैं बल्ब को इमेजिन कर लो, उस बल्ब से लाइट कैसे आ रही है? छोटे छोटे पैकेट के रूप में आ रही है।
क्लियर हो रही है बात? हाँ, वो इतनी फ्रिक्वेंटली आ रही है, इतनी फ्रिक्वेंटली आ रही है कि हमें ऐसा फील होता है कि वो सतत है, लेकिन वो कैसी है? असतत। किसके अकॉर्डिंग? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अब डाउट आता है कि सर कौन सा सिद्धांत सही है? उसने तो कहा सतत, इसने कहा असतत। उसने कहा तरंगों के रूप में, इसने कहा छोटे छोटे पैकेट के रूप में। आज हम ये मानते हैं कि दोनों ही सिद्धांत सही हैं। आज हम ये मानते हैं कि जो ऊर्जा है वो ना तो वो ऊर्जा जो है उसकी दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति होने का मतलब वो सतत भी है, वो असतत भी है। मतलब वो तरंगों के रूप में भी है और वो बंडल के रूप में भी है। कैसे? आज हम ये मानते हैं कि यदि किसी स्रोत से ऊर्जा निकलती है तो कैसे निकलती है? इस प्रकार से निकलती है। इस प्रकार से ऊर्जा निकलती है, मतलब बल्ब से जो लाइट आ रही है वो कुछ इस प्रकार से आ रही है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपने तरंगें भी बना ली, आपने तरंगें भी बना ली और आपने छोटे छोटे पैकेट भी बना लिए। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि दोनों सिद्धांतों में से एक कॉमन सेंटेंस आपको याद करना है, वो ये कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की दोहरी प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? उसकी दोहरी प्रकृति होती है। उसकी तरंग प्रकृति भी है और उसकी कण प्रकृति भी है, पार्टिकल प्रकृति भी है। क्योंकि बंडल तो किसके होते हैं बच्चों? बंडल तो पार्टिकल के ही होते हैं। ये सेंटेंस शायद आपने कहीं ना कहीं बचपन में सुना होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की मतलब लाइट की दोहरी प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति भी और कण प्रकृति भी। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये जो छोटे छोटे पैकेट हैं, आपको मैंने कहा इन पैकेट को हमने नाम दिया है बच्चों क्वांटम। ये क्वांटम किसके पैकेट हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के पैकेट हैं। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के सात एग्जांपल थे। उन सात एग्जांपल में से बीच में एक दृश्य तरंग भी आया था। कौन सा तरंग आया था बच्चों? दृश्य तरंग भी आया था या प्रकाश भी आया था। उस प्रकाश के लिए इस क्वांटम को हम लोग फोटोन भी कहते हैं। मतलब दृश्य तरंगों के बंडल के लिए दो नाम हैं। दो नाम कौन कौन से हैं? क्वांटम भी है और फोटोन भी है। बाकी सभी के लिए केवल क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटम। मतलब कहीं पर भी फोटोन अगर लिखा हुआ है तो ये बंडल है। किसका बंडल है? केवल दृश्य तरंगों का या प्रकाश का। अरे क्लियर हो रही है बात? ये चलिए तो ये क्लियर कर लेना। विद्युत में अगर वापस उस स्लाइड पर लेके जाऊं आपको, तो इन सभी के बंडल को, इन सभी के पैकेट को हमने क्या नाम दिया? क्वांटम। लेकिन हाँ, इस दृश्य तरंगों के लिए दो नाम आ गए, क्वांटम भी और फोटोन भी। ये एज इट इज आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये एक फॉर्मूला तक हमें लेके जाएगा कि अगर आप इन सभी क्वांटम को देखेंगे, इन सभी पैकेट को देखेंगे, इनको फोटोन को देखेंगे, तो सभी फोटोन की जो ऊर्जा होगी, प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो उसकी आवृत्ति के क्या होगी? समानुपाती होगी। अगर इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या आया बच्चों? एच आएगा। ई बराबर क्या आ गया? एच न्यू। ई बराबर क्या आ गया? एच न्यू। रटना नहीं है कुछ भी, समझना है अभी। एच को हम बोलते हैं यहां पर समानुपाती स्थिरांक या प्लांक नियतांक। एच क्या है यहां पर? प्लांक नियतांक। क्लियर है? चलिए इस फॉर्मूला को थोड़ा हम और मॉडिफाई करेंगे। जब हमने तरंग पढ़ा था तो हमने वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। ये अभी आपको याद नहीं है, इसको याद मैं कराऊंगा, वो मेरी टेंशन है, आपको केवल समझना है। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, तो यहां से मैं इस न्यू की जगह, इस न्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूं? सी अपॉन लैमडा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई बराबर एच सी अपॉन लैमडा। ये अभी आपको याद नहीं करना, समझना है। तो ये ऊर्जा है, ये किसकी ऊर्जा है? ये एक क्वांटम की ऊर्जा है। कितने क्वांटम की ऊर्जा है? एक क्वांटम की ऊर्जा है। यहां पर एच का मतलब क्या है? प्लांक नियतांक। और इस प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। मात्रक के साथ याद कर लेना इसे, 6 दशमलव के बाद केवल एक ही डिजिट याद कर लो। कितना? 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। आपको पता होगा कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग। अगर आप मात्रक परिवर्तित करेंगे तो बन जाएगा 6.6 × 10⁻²⁷ अर्ग सेकेंड। क्लियर है? लेकिन हाँ, इन दोनों मान में से हमें केवल यही मान याद करना है। अगर मात्रक परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी तो हम कर लेंगे, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन में यही यूज होने वाला है। अभी तक मैंने आपको रटने के लिए कुछ नहीं कहा है, मैंने आपको केवल समझने के लिए कहा है।
एच का मान हाँ बिल्कुल हमें रटना है, इसके अलावा और कुछ नहीं रटना अभी तक। 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। अच्छा, ये जो ऊर्जा का फॉर्मूला आया, ये एक क्वांटम के लिए आया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर दो क्वांटम हो तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 क्वांटम हो तो 3 से गुणा कर देंगे, और अगर n क्वांटम हो तो n से गुणा कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों यहां पर, E बराबर nh न्यू या nhc अपॉन लैम्डा। इसको भी n से गुणा कर दिया, इसको भी n से गुणा कर दिया। कितने क्वांटम के लिए? n क्वांटम के लिए। अगर 10 क्वांटम के लिए पूछेगा तो 10, 20 क्वांटम से पूछेगा तो 20 आ जाएगा। क्लियर है? अब बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको याद करना है, और इस फॉर्मूला में n का मतलब क्या है बच्चों? क्वांटम की संख्या। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इस फॉर्मूले का यूज कब आएगा? तब जब हमसे बोला जाएगा कि एक बल्ब है या कोई स्रोत है, उस स्रोत से क्वांटम निकले, 50 क्वांटम निकले, उन 50 क्वांटम की ऊर्जा ज्ञात करें। तो बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आने वाला है। हम करने भी वाले हैं ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल फ्लो में याद कर लेना। E बराबर nh न्यू बराबर nhc अपॉन लैम्डा, E बराबर nh न्यू बराबर nhc अपॉन लैम्डा। 10 बार बोलना, 20 बार बोलना, 50 बार बोलना, और जब बोल लो तो याद भी कर लेना उससे। फिर बात समझ में आ रही है आपको? ये E बराबर nh न्यू बराबर nhc अपॉन लैम्डा एज इट इज फ्लो में याद करना है। अच्छा, इसको फ्लो में याद करने का एक और एप्लीकेशन है, इसको फ्लो में याद करने का एक और फायदा है। फायदा क्या है समझना भाई, इस फॉर्मूला में यहां पर लिखा हुआ है न्यू, यहां पर लिखा हुआ है न्यू, और यहां पर लिखा हुआ है सी अपॉन लैम्डा। तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि न्यू बराबर क्या होगा? सी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला हमें अलग से याद नहीं करना, ये फॉर्मूला हमें अलग से याद नहीं करना, हमें एक सेंटेंस बोलना है, वो ये कि इस फॉर्मूला ई बराबर एन एच न्यू बराबर एन एच सी अपॉन लैम्डा में एक और फॉर्मूला छुपा हुआ है। वो कौन सा फॉर्मूला छुपा होगा कि भैया न्यू बराबर हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा? अलग से इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस पूरे पार्ट में केवल एक फॉर्मूला अब रटने के लिए कहा है, तो इतना तो हम कर सकते हैं। और इसमें एक सेंटेंस बोलना है कि इस फॉर्मूला में एक और छुपा हुआ फॉर्मूला है, जो कौन सा है बच्चों? न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। क्लियर है? अच्छा, बात आती है कि इस छुपे वाले फॉर्मूले का यूज कब आएगा। इस छुपे वाले फॉर्मूले का यूज तब आएगा तब जब न्यू से हमें लैम्डा निकालना हो या लैम्डा से हमें न्यू निकालना हो, क्योंकि सी का मान तो नियत है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा, फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूले का यूज भी तो हमें समझ में आए। इस छुपे वाले फॉर्मूले का यूज कब आएगा? तब जब न्यू से लैम्डा निकालना हो या लैम्डा से न्यू निकालना हो, तो हम इस छुपे वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। मैंने इस पूरे लेक्चर में अभी आपको तरंगों के बारे में बताया, और उस पूरे टॉपिक में एक फॉर्मूला याद करने के लिए कहा, और वो फॉर्मूला है ई बराबर एन एच न्यू बराबर एन एच सी अपॉन लैम्डा। इस फॉर्मूला के अलावा एक सेंटेंस और आया, वो ये कि तरंगों की दोहरी प्रकृति होती है, उसकी सतत प्रकृति भी है, असतत प्रकृति भी है, उसकी तरंग प्रकृति भी है, उसकी कण प्रकृति भी है, मतलब उसकी दोहरी प्रकृति है। केवल दो बातें, एक तो है सेंटेंस दोहरी प्रकृति, और दूसरा है फॉर्मूला। इतना कर सकते हैं बच्चों हम लोग। और इस फॉर्मूला में एक फॉर्मूला और छुपा हुआ है, जो क्या है? न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। चलिए, इस पर कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है तो इसकी आवृत्ति होगी। बेटा, क्वेश्चन को बहुत फील के साथ में सॉल्व करना चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ है, जो है 1 एंगस्ट्रॉम, और उसका अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो 10⁻¹० मीटर आएगा। लैम्डा दिया हुआ है, और उस लैम्डा से हमें न्यू निकालना है। जब भी हमें ऐसा काम करना हो, हमें फॉर्मूला याद आता है, ई बराबर एन एच न्यू बराबर एन एच सी अपॉन लैम्डा। इस फॉर्मूला में एक फॉर्मूला छुपा हुआ है, कौन सा? न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। इसको यूज करेंगे और हमारा आंसर आने वाला है। क्लियर है? तो हमने वही लिखा हुआ है यहां पर, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नीचे 10⁻¹० मीटर है। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 3 × 10⁻¹⁸ सेकेंड इनवर्स। बिल्कुल आवृत्ति का मात्रक, बिल्कुल आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁻¹⁸ हर्ट्ज भी आप इसे लिख सकते हैं। सेकेंड इनवर्स लिखें या हर्ट्ज लिखें, एक ही बात है। कंफर्टेबल है इस चीज से? ये क्वेश्चन बहुत इजी मैंने दिया,
ये क्वेश्चन हमें केवल ये सिखा रहा है कि इस छुपे वाले फॉर्मूले को हम कब यूज करेंगे. क्लियर है. एक और क्वेश्चन करते हैं. चलिए, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य वाली विकिरण की आवृत्ति व तरंग संख्या ज्ञात करें. मतलब इस बार भी हमें इस क्वेश्चन में तरंग धैर्य से क्या निकालना है, वापस आवृत्ति ही निकालना है. फॉर्मूला हमें याद है जो क्या होगा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा. न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा. बस मान रखना है सी का मान 3×10^8 बटे लैम्डा है, 6000 एंगस्ट्रॉम था तो मीटर में उसे बदल लिया. यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 3×10^8 और नीचे आएगा 6×10^-7. इतना हम समझते हैं. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आने वाला है 1/2×10^-7 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 10^15 बन जाएगा. और वही हमने यहां लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप में. इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, 0.5×10^15. और अगर पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो आंसर आएगा 5×10^14 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज. तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में अंतर केवल कैलकुलेशन का है. थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो गई और आंसर आ गया हमारा. अब इस लैम्डा की हेल्प से हमें तरंग संख्या भी निकालना है. मतलब क्या निकालना है बच्चों, न्यू बार भी निकालना है. तरंग संख्या हमने पढ़ा था कि तरंग संख्या बराबर होता है 1/λ. इसको हम सॉल्व यदि करें तो ये आ जाएगा बच्चों 1/λ. तो ये आ जाएगा 1/6×10^-7. 1/6 सॉल्व करने पर आता है 0.167 और 10^7 ऊपर चला जाएगा. अच्छा, अगर एक पॉइंट को शिफ्ट अगर हम करें तो आ जाएगा 1.67 10^6 मीटर इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि यहां हमने लैम्डा को मीटर में पुट किया था तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स. क्लियर है. तो बस फॉर्मूला अगर हमें याद हो तो इजिली हम आंसर तक पहुंच पाएंगे. चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं. इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि प्रकाश की तरंग धैर्य 3000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब इस बार भी हमें लैम्डा दिया हुआ है, तो इसके एक फोटोन की ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है. इसके एक फोटोन की ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है. एक फोटोन है मतलब एन का मान कितना है, एक. एक फोटोन की ऊर्जा कितना हो जाएगा, हमें फॉर्मूला याद है. क्या याद है, ई बराबर एन एच न्यू बराबर एन एच सी अपॉन लैम्डा. बेटा एग्जाम में बैठे होंगे ना तो सबसे पहले यही फॉर्मूला याद आएगा. अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें लैम्डा दिया हुआ है इसलिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूला में एन का मान कितना रख देंगे, एक. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा. चलिए अब इसमें हमें फॉर्मूला में अगर मान रखें तो एच का मान हमें याद है 6.6×10^-34. सी का मान 3×10^8 मीटर पर सेकेंड. लैम्डा का मान मीटर में 3000×10^-10. बच्चों अगर इसको सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली इसे आप सॉल्व कर सकते हैं. ऊपर तो क्या है यहां पर 6.62×, ये 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 10^-26 बटे, नीचे आने वाला है 3 से 3 कैंसिल होकर 10^-7. इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10^7 ऊपर चला जाएगा तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा 6.62×10^-19 जूल. क्लियर है, क्योंकि यहां पर एच का मान हमने जूल में रखा था तो आंसर भी किस में आया है, जूल में ही. ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. ये क्वेश्चन हमें कुछ सिखाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कुछ सीखना है. इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा. एक फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए कहा है, बार बार वही हम यूज कर रहे हैं, ई बराबर एन एच न्यू बराबर एन एच सी अपॉन लैम्डा. इस फॉर्मूला से एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं, वो ये कि जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती है लेकिन तरंग धैर्य के व्युत्क्रमानुपाती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका इंपॉर्टेंस आपको आगे समझ में आएगा कि ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती है लेकिन तरंग धैर्य के व्युत्क्रमानुपाती है. चलिए आप क्वेश्चन पढ़ते हैं. यदि किसी विकिरण की ऊर्जा E व तरंग धैर्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब हमें किसी तरंग धैर्य की ऊर्जा भी दिया है और उसका तरंग धैर्य भी दिया है. चलिए E ऊर्जा वाले तरंग की तरंग धैर्य हमें दी है 6000 एंगस्ट्रॉम, यह हमें दिया है. अब पूछा क्या है, तो उस विकिरण की तरंग धैर्य ज्ञात करें जिसकी ऊर्जा 3E हो. मतलब ऊर्जा को 3 गुना कर दिया तो अब उसका लैम्डा हमें ज्ञात करना है. ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है.
ऊर्जा को तीन गुना कर दिया तो लैम्डा कितना होगा यह हमें फाइंड करना है। इसके लिए मैं ये रिलेशन यूज करूंगा कि ऊर्जा लैम्डा के क्या है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ऊर्जा लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है हम बोल सकते हैं E1 अपॉन E2 बराबर होगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अगर मान पुट करें तो E1 अपॉन E2 मतलब क्या बन जाएगा, E अपॉन 3E बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। इस लैम्डा को हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय 6000। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2000 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल इस क्वेश्चन से एक बात समझ लेना बच्चों यहां पर कि भैया ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में ये रिलेशन है, इस रिलेशन को भी हमें दिमाग में रखना है। ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती। वैसे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमने क्या किया यहां पर, ऊर्जा को तीन गुना कर दिया। अगर ऊर्जा को तीन गुना कर दिया तो लैम्डा तीन गुना कम हो जाएगा, तीन गुना कम होने का मतलब 1/3 हो जाएगा। 6000 का 1/3 अगर करोगे तो कितना आएगा, 2000 एंगस्ट्रॉम। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ऊर्जा अगर तीन गुना हुआ तो लैम्डा 1/3 टाइम्स हो जाएगा, 1/3 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है चीज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्चुअल पार्ट है, कैलकुलेशन नहीं है इसमें, कंसेप्ट है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा हुआ है कि 2 जूल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, मतलब हमें इस क्वेश्चन में ऊर्जा का मान दिया है कितना, 2 जूल, 6000 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश के कितने फोटोन की आवश्यकता होगी। मतलब इस बार हमें फोटोन की संख्या ज्ञात करनी है और इस क्वेश्चन में हमें ऊर्जा का मान दिया है 2 जूल और लैम्डा का मान दिया है 600 नैनोमीटर। इससे हमें फोटोन की संख्या निकालनी है तो एकमात्र फॉर्मूला जो हमें याद आएगा, E = NhυBN/NhC/λ। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे E = NhC/λ। सब कुछ दिया है, बस n का मान निकालना है, कैलकुलेशन करना होगा। चलिए मान अगर रखें तो ऊर्जा का मान है 2, n का मान निकालना है, h का मान रख दिया 6.6 × 10⁻¹⁴, c का मान 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान मीटर में 600 × 10⁻⁹ मीटर। बच्चों इसको आपको सॉल्व करना ही होगा। सॉल्व करने पर इस प्रकार का एक्सप्रेशन आएगा और यदि इसे सॉल्व करेंगे तो n का मान आने वाला है 1.65 × 10⁻²⁰ फोटोन। कैलकुलेशन पर फोकस ना करें, एग्जाम में वैसे भी कैलकुलेशन इजी ही आती है। एग्जाम में मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि बहुत सिंपल कैलकुलेशन आ रही है। बस मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट पर फोकस करें। इस क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है, जस्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हमने n का मान निकाला, बस इतना सा है। कैलकुलेशन तो कुछ भी बन सकता है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक 60 वाट का बल्ब 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है, समझना इसे। एक हमारे पास बल्ब है और बल्ब पर आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है 0 वाट का बल्ब, 5 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब। तो एक 60 वाट का बल्ब है हमारे पास और उससे इतने तरंगदैर्ध्य का प्रकाश निकल रहा है, तो 10 घंटे में उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब उस बल्ब को हमने ऑन रखा कितने टाइम तक, 10 घंटे तक, तो कितने फोटोन बाहर आए, समझना। देखिए यहां पर हमें ऊर्जा नहीं दिया है, यहां पर हमें उस बल्ब का पावर दिया है, मतलब शक्ति दिया है, कितना, 60 वाट। इतना आपको फिजिक्स से थोड़ा पता होगा कि वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। एक बार मैं लिख देता हूं इसे, हमें यहां पर दिया है बच्चों 60 वाट का बल्ब। हम इसे लिख सकते हैं कि उस बल्ब से प्रति सेकेंड कितनी ऊर्जा आ रही है, 60 जूल। एक सेकेंड में इतनी ऊर्जा आ रही है, लेकिन उस बल्ब को हमने कितनी देर तक चालू रखा, 10 घंटे तक, और 10 घंटे का मतलब होता है 10 × 3600 सेकेंड तक। इतने टाइम तक अगर बल्ब ऑन रहेगा, भैया एक सेकेंड में तो इतनी ऊर्जा, तो इतने सेकेंड में इतनी ऊर्जा आने वाली है। आ रही है बात समझ में। कहने का मतलब यह है कि हमें इस यूनिटरी मेथड से क्या मिल गया है, ऊर्जा मिल गया। मतलब उस बल्ब को अगर हमने 10 घंटे तक चालू रखा तो उस बल्ब से ओवरऑल इतनी ऊर्जा हमें मिली। अब इस क्वेश्चन में नया कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में वही काम हमें रिपीट करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। एन का मान निकालना है, ऊर्जा हमें मिल गया। अब E = NhC/λ, अगर रिअरेंज करोगे तो एन का फॉर्मूला बन जाएगा E λ/Hc।
ई मतलब ऊर्जा का मान हमने ये रख दिया 60 × 10 × 3600 जूल। उसके बाद में लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम था, मीटर में परिवर्तित कर लिया। उसके बाद में एच का मान रख दिया 6.62 × 10⁻³⁴ और सी का मान रख दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन करना पड़ेगा और जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आने वाला है 6.52 × 10⁴ फोटोन। तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में अगर आप कंपेयर करें, कंसेप्ट पर ध्यान देना, तो इस क्वेश्चन में तो हमें ऊर्जा पकी पकाई दी थी, बिल्कुल पकी पकाई तैयार है, बस मान रखो आंसर पाओ। लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में हमें ऊर्जा निकालना पड़ा। कैसे? 60 वाट का बल्ब, जूल पर सेकंड, एक सेकंड में इतनी ऊर्जा, तो 10 घंटे में कितनी ऊर्जा, वो ऊर्जा हमने निकाली, फिर वही काम हमने रिपीट किया। क्लियर है बच्चों? तो अभी इस पूरे पार्ट में हमने कुछ बातें पढ़ी, मैं तो इवन ये कहूंगा इस पूरे लेक्चर का जो समरी है वो ये है कि हमने यहां दो बातें याद की। पहली बात कि भैया कोई भी सिद्धांत हो, चाहे विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत हो, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत हो, उन दोनों सिद्धांत ने एक कंक्लूजन बताया, वो ये कि तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों की दोहरी प्रकृति है, तरंग प्रकृति भी है और कण प्रकृति भी है। दूसरी बात, एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है, ई बराबर एनएच न्यू बराबर एनएचसी अपॉन लैम्डा, और उस फॉर्मूला में एक फॉर्मूला और छुपा हुआ है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। बेटा समरी देखना, सुनना और याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ पढ़ लेते हैं, हमारे काम का क्या है, केवल दो बातें, एक सेंटेंस और एक फॉर्मूला। क्लियर है ये चीज?